नमस्कार और आदाब। आज सनीचर अक्टूबर के 6 तारीख 6 अक्टूबर के लिए पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। मनोज हिंदोरी जो आखमीन डायरेक्टर है सेंट विंसेंटियस सीकन हाउस का और ये फोरशेटर था नेशनल सीकन हाउस रात का, करीबन 7 बरस के बाद बागदौर जो है ये अलखमीन डायरेक्टर अकादेमिस सीकन हाउस परमारिबो का क्लौडिया रेदन के हवाले किए हैं, इनको सौंप दिए हैं। क्लौडिया रेदन अब नया फोरशेटर है नेशनल सीकन हाउस रात का। हिंदोरी से पहले एडी जुमन खान जो उस वक्त अलखमीन डायरेक्टर था अकादेमिस सीकन हाउस परमारिबो का, ये फोरशेटर था नेशनल सीकन हाउस रात का। हिंदोरी ये ओवरड्राफ्ट पर कहे हैं, नया फोरशेटर यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था, ये नया फोरशेटर इसलिए लोग चुने हैं। और ख़ास अहम बात जो अस्पताल में इस वक्त है, ये पैसा का मामला है। हर महीना पैसा का कमताई रहता है, ना सिर्फ वहाँ पर काम करने के लिए लेकिन वहाँ के मजदूर जो है कार्यकर्ता है इन लोगों के आमदनी भरने के वास्ते। ना सिर्फ जो सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन पार्टिकुलर सीकन हाउस को भी सरकार की तरफ से सब्सिडी के बहुत ज़रूरत है, इसलिए सालों से लोग लेखता तारीफन को लोग ऊंचा करना चाहते हैं, इसका मांग लोग करते हैं। कमोवेन में बीते हुए एतवार को एक हादसा हुआ है जिसमें 4 साल का येमुएल लिविन ये छोटा लड़का का देहांत हो गया है और 5 और लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक 22 साल का आदमी शाहिद एन नशे के हालात में था, ये एक पर्सोन ऑटो हाँक रहा था और पुलिस के खोजबीन से यह पता चला है कि यह हादसा जो है ये क्रॉसिंग ओस्ट वेस्ट फॉर बेंडिंग और मंगरे वेख के मोड़ पर यह हादसा हुआ है। शहीद एन इस हादसा का कसूरवार है। इस 4 साल का लड़का जो है येमुएल लिविन के देहांत हो जाने से फरकेश बारोमीटर 25 तक 52 पर आकर पहुंच गए हैं। अब तक के पुलिस का ये खबर है कि शाहिद एन जो है ये क्रॉसिंग जब ओस्ट वेस्ट फॉर बेंडिंग और मंकरे वेख पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर कोशिश किए हैं एक टोयोटा नोवा बस को इनहाल करने के लिए, और इनहाल करते वक्त ये उधर दूसरी तरफ से देखा कि एक बस्तल बस आ रहा था तो ये आउटवेक किए हैं और जाकर ये नोवा बस से टकराए हैं। ये नोवा बस जाकर ये बस्तल बस से टकराए हैं। नोवा बस में यह 4 साल का लड़का था येमुएल लिविन और इनका बाप, और जो बस्तल बस था इसमें 4 लोग मौजूद थे। यह बताने के बाद ज़रूरी कि इस हादसे से यह 4 साल का लड़का वहीं पर इसके देहांत हो गया है। इसके बाप जो था ये बुरी तरह से घायल हुए, इनको हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए हैं और बस्तल बस में बस्तूडर जो था रेफली नोखे इनके पास रेबवेस भी नहीं था। ये कसूरवार नहीं है आ रहे इनका, लेकिन इसके पास रेबवेस नहीं था। ये और रेफली नोखे और बाकी 3 लोग जो इनके गाड़ी में मौजूद था इन लोगों को भी हॉस्पिटल में लोग दाखिल किए इलाज के वास्ते, सब बुरी तरह से घायल हुए हैं। और ख़ास बताने की बात ये है कि जो कसूरवार इस आन रहे इनका शाहिद एन, इसको कुछ नहीं हुआ है। बास सौरख शेख रिंका जो प्रेमी है, इस बारे में पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे, रात फन मिनिस्टर्स एरफेम में ये तय हुआ था कि ये प्रेमी बदराख जो है रकम जो है ये बढ़ाया जाएगा, ये ऊंचा होगा। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध या रेद के दौरान बीते हुए सोमवार अक्टूबर की 1 तारीख दयाना में ये कहे हैं कि जब तक एक बदला हुआ वैद बास सौरख शेखरिंग नहीं आएगा, तारीफन नहीं यानी प्रेमी बदराह जो है ये ऊंचा नहीं होगा। पहले ये वैद है, इसको बदलना ज़रूरी है और अगर वैद बदला जाएगा तो उसके बाद फिर ये प्रेमी का लुक बढ़ाएंगे। वैसे एरफेम इतला कर चुके थे कि सितंबर महीना से तारीफन नेशनल बास सौरख शेखरिंग का ये ऊंचा होगा। ये जो तारीफन नया तय हुआ था, ये नया तारीफन तक लोग आए थे एक्सरसाइज के बाद जो सौरख रात और ऑन द रात सोशल सेक्रेट सेल्सल का सेक्रेटरियात ने किए थे। फिनाशियरिंग स्टेल्स जो है नेशनल बास सौरख शेखरिंग का जितना जल्द हो सके इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध या रेद के दौरान ये भी बताए हैं कि जो खौद सेक्टर का
इनकम्सन है यानी आमदनी है, इसमें से 3% 3% और साथ में भी महीनावार जो प्रीमी लोग भरते हैं, फर्शीकरण जो है जो महीनावार प्रीमी भरते हैं, इसमें से भी 3% 3% निकाला जाएगा और ये एक खास फोन्स में, एक अलग सा फोन्स में डाला जाएगा। मतलब ये पैसा अलग रखा जाएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जिनके पास कोई गंभीर बीमारी है, जो लोग ज़्यादा बीमार है और जहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च होना है, जहाँ पर ज़्यादा पैसा ज़रूरी है, इन लोगों के मदद के वास्ते ये फंड्स में जो पैसा डाला जाएगा ये लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी को पैसा नहीं है, और भी नीर डायलिसिस, नीर ट्रांसप्लांटेशन, कंकर और दूसरे गंभीर बीमारी के वास्ते इस फंड्स में से पैसा निकाला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है और भी नहीं होगा कि जिन लोगों के पास पैसा है इन लोगों के लिए इलाज मुमकिन नहीं रहेगा। मंगल को पंचघर में दयानामी मतलब 30 अल्खमेन स्टेमन के साथ, 30 देर तक अल्खमेन स्टेमन वोट के साथ वेब जो है इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये पास हुआ है और यह मतलब खुद क्योर हुआ है, यह पंचघर में पास हुआ है। इसके साथ ये इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक इंस्टीट्यूट जो है ये अब कानूनन कायम हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन ये वेत अब आ गया है, अब ये इंस्टीट्यूट लोग कायम कर सकते हैं। तैयारियां इस वेत का जो किए हैं, कमेसी का फोर्सेटर था अमसद अब्दुल, एनडीपी का पार्लियामेंटारियन, और ये बताते हैं कि इस वेत के खुद क्योरिंग से जो है इससे फिनेंशियल सेक्टर में सुधार आएगा, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है इसके लिए कानून बनाना ये बहुत ज़रूरी था। इसी सिलसिले में इससे पेशतर एक और वेत जो है ये खुद क्योर हो चुका है, यह पास हुआ है डीएनआ में, और ये था वेत ऑफ यारेकनिंग, और अब ये वेत ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये भी पास हुआ है। इस वक्त कॉम्पटेबिलिटीज वेत के बारे में लोग गुफ्तगु कर रहे हैं, यह बहंडलिंग में है और उम्मीद है कि जितना जल्द हो सके ये वेत भी खुद क्योर होगा, ये भी पार्लियामेंट में ये पास होगा। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध शो अक्टूबर के पहली तारीख अपना यार रेदा पेश किए हैं देना में, और यार रेदा के दौरान बहुत से ऐसे समस्या के बारे में वो बातचीत किए हैं और ये बताए हैं कि क्या क्या होने वाले हैं आने वाले दिन यार में। सुरीनाम गयाना बसेन, सुरीनाम खुयाना बसेन जो है यहाँ पर एक्सप्लोरासी और एक्सप्लोवातासी मास्खपेन जो है ये सब खोजबीन कर रहे हैं, तेल के तलाश में है। ये ऑफशोर बोरिंग लोग करते हैं, ऑफशोर मतलब समुंदर में ये बोरिंग होते हैं, वहाँ पर लोग तेल के तलाश करते हैं, और अगर तेल मिल जाएगा तो इससे सुरीनाम देश को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, ये प्रेसिडेंट देसी बौद्ध ने कहा है। बहुत से ऐसे विद्रेफन हैं जिनको दिलचस्पी है तेल में, इसमें वो बताते हैं कि कॉस्मोस एनर्जी है, हेस, शेफ्रॉन, अपाचे ऑयल, नोबल एनर्जी, स्टेट ऑयल, टुलो ऑयल और पेट्रोनास जैसे बद्रेफन जो है जो वहाँ पर तेल के तलाश करते हैं, इन लोगों का वहाँ पर होना ये साबित करते हैं कि वहाँ पर तेल है। वैसे 15 साल से ऑफशोर बोरिंग हो रहा है, लोग तेल के तलाश करते हैं समुंदर में, अभी तक तेल नहीं मिला है, लेकिन अंधशुक खोजबीन से यह पता चला है कि ज़रूर वहाँ पर समुंदर में यहाँ पर तेल है, इसलिए लोग तेल के तलाश अभी तक करते हैं। और प्रेसिडेंट देसी बौद्ध का कहना है कि इसमें लोग ज़रूर कामयाब होंगे, ये तेल ज़रूर मिलेगा। आगे में प्रेसिडेंट देसी बौद्ध ने कहा है कि ये काम जो है सुरीनाम देश के लोग जो करते हैं ये मेहनती लोग हैं, सरनामी लोग, सुरीनाम का जनता जो है ये सब मेहनती लोग हैं और ये सब काम करना जानते हैं, ले सो खुद अपना काम करते हैं, इसलिए इन्हें भरोसा है कि ये देश को लोग और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और इस देश में लोग तरक्की लाएंगे। इन लोगों के काबिलियत यानी जनता की काबिलियत पर, इन लोगों के जो टैलेंट है इस पर, खासतौर पर ऑन्टरप्रेन्योरशिप का जो काबिलियत है इस पर इन्हें पूरे तौर से भरोसा है और वो यकीन करते हैं कि ये सब इस देश में तरक्की लाएंगे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप के बारे में प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से काफ़ी देर तक बातचीत किए हैं और ये कहे हैं कि इतना मुश्किल समय में जो इकोनॉमिक हालात है इस देश का, तो भी मुश्किल समय है तो भी ऑन्टरप्रेन्योरशिप पूरे तौर से कोशिश करते हैं काम करने को, मेहनत करने को और इस देश में बढ़ती लाने को।
26 बेनलांस अंडरनेमर्स ये सब एक संगठन बनाई है बेनलांस हाउट प्रोड्यूसेंटन का. ये सब रोंथ हाउट नहीं लेकिन खसाख्त और फरवर्क किया हुआ हाउट यानी लकड़ी ये सब एक्सपोर्टेर करने वाले हैं और इससे 350 लोगों को काम मिल सकता है या मिलेगा. 350 अर्बेट्सप्लाट्सन इसके साथ लोग क्रिएट करेंगे और ये कहने के बाद ज़रूर है, ये बताने के बाद ज़रूर है कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट होगा, इसमें पैसा खर्च होगा लगभग 119 मिलियन यूएस डॉलर का. बहुत से ऐसे बहुतलांस पार्टिकुलर भी मदद देना चाहते हैं सुरीनाम देश के प्रोडक्सी सेक्टर में. एक बहुतलांस अंडरनेमर जो है ये मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टेर करना चाहते हैं. अंडरनेमर्स भी है जो फिशरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. ये प्रेसिडेंट इसी बहुत से ये तमाम बातें सामने लाई है. प्रेसिडेंट ये भी कहा है कि बलैत ये भी है कि जिन लोगों को साफ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोगों के लिए ये पानी इन लोगों तक पहुंचाया जाएगा. ये कहा गया है कि ये ड्रिंक वाटर फोर्शिनिंग जो है वाटर लेडिंग नेट इन लोगों के लिए अनेक दौरपन में बेनलांत में रखा जाएगा ताकि इन लोगों के पास भी साफ पीने के लिए पानी रहेगा. वैसे और भी बदरेफन का नाम प्रेसिडेंट ने लिए है जो देश में इस वक्त काम कर रहे हैं और इन बदरेफन से ये लोगों को जनता को काम मिल सकता है. अर्बेट्सप्लाट्सन ये इन लोगों को दी जाती है ताकि लोग काम करके कुछ पैसा कमा सके. वैसे बदरेफन जो लोग कायम करते हैं इसमें वो नाम भी लिया है सुरीनाम से फ्रोवन यानी स्त्री जो बेनलांग में है ये सब काम करते हैं. स्टिफ्टिंग वी उमा फ्रूसर फूसरानांग ये सब बेनलांग के जो औरतें हैं इन लोगों को लोग पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं खुद काम करने के लिए, खुद अपना बदरेफ कायम करने के वास्ते और ये बहुत ही अच्छा बात है. इलाका कोरोनी में एक इमकर बदरेफ है. इमकर बदरेफ यानी वहाँ पर मध निकाला जाता है, मधुमक्खी के जरिए वहाँ पर मध निकाला जाता है. एक बहुत ही मॉडर्न इमकर बदरेफ है जो भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और सभी को मालूम है कैसे ये देश में तरक्की लाना चाहिए. प्रेसिडेंट बेसी बाउतश ने कहा है. आगे में अंडरनेमर्स खाप को छोड़कर प्रेसिडेंट देसी बाउतश बात किए हैं फेलखेत्सखफुल के बारे में. लोगों यानी सुरीनाम देश के जनता के हिफाजत इन लोगों की सुरक्षा के सिलसिले में भी बातचीत हुआ है, इस पर भी गौर किया जाएगा. 2019 में बहुत से ऐसे दूसरे तरीका अपनाया जाएगा कैसे जनता के अंदर जो भाई है, जो लोग डर के साथ जीते हैं, सुख शांति जो है, चैन जो है वापस लाने के वास्ते ई गवर्नमेंट कमेटी के साथ मिलकर काम होगा. लोग तय करेंगे कैसे ये जो फैल है थे इस पर लोगों के इसके बारे में गारंटी देने के वास्ते और एक इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजिस इंस्ट्रूमेंटारियम भी आएगा और इसके साथ काम होगा. ट्रेन किए हुए तजुर्बेकार लोग इसके साथ काम करने वाले हैं, ना सिर्फ KPS के लोग लेकिन और भी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा यहाँ पर काम करने के वास्ते. आगे में ड्रग्स प्रॉब्लमेटिक जो है और फिर कैश क्रिमिनलिटी के बारे में भी प्रेसिडेंट देसी बाउतश ने बातचीत की है. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यार रेड में थे इस बारे में हम आपको छोटे रूप में बताए हैं. कुछ बहुतलांदर्स जो है विदेशी लोग जो है ये सब गैर कानूनी तौर पर बेकानूनन तौर पर ये सब उन रहमात खवैसे पर सुरीनाम देश के पासपोर्ट और आइडेंटिटीज कार्ड इन लोगों के पास है. ये पासपोर्ट जो है और आईडी कार्ड जो है इन लोगों को मिला है और इनमें जो लोग लोगों को मदद किए हैं 5 लोगों का नाम पुलिस लिए है और 5 लोग पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार किए हैं. ये सब पुलिस के हिरासत में है. मतलब इस बेकानूनी काम के लिए, गैर कानूनी काम के लिए 5 लोग जिम्मेवार है. पुलिस ये बताई है कि इसमें 5 आदमी है उम्र 36 और 61 साल के बीच, जैसे 36 और 61 यार इन लोगों का उम्र है. ये सब नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ, नकली कागजात के साथ गए हैं और CBP के जो ये बस्तान थे इसमें इन लोगों के लिए लोग यानी जानकारी डाले हैं इन लोगों का और नकली जानकारी डाले हैं नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ और तब ये पासपोर्ट और ये जो आईडी कार्ड थे लोग बना पाए हैं.
एक आदमी पैतृक से 36 साल ससन दरतखियार का जो सीबीबी में काम करते हैं इसको पुलिस गिरफ्तार किए क्योंकि ये इसका हिस्सा है इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे प्रोक्योर खैनराओ की तरफ से एक ऑब्सपोरिंग बाहर लाया गया है मतलब पुलिस एक आदमी के तलाश करते इसके खोज में है। इसका नाम है तुनाव रिंसो पैतृक खेये नेहनंदा तहियार का। इसका मर्स के नाम से इसको मर्स के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। पेखे के कहने पर इसका ऑब्सपोरिंग बाहर आई है पुलिस इसके तलाश कर रहे हैं इसी सिलसिले में। मुमकिन है कि फरकी सिंह चुनाव जो 2023 में होने वाले हैं वैसे दिन तारीख तय है 25 तारीख मई को ये अब 25 तारीख मई को नहीं रहेगा या ये इससे कुछ समय पहले फरकी सिंह आएगा फरफरुख फरकी सिंह आएगा 2020 में। कारण बताया गया है कि उसी समय मई महीना में बोलो रहेगा यानी ईद उल फित्र और भी रोज़ा का महीना रहेगा तो इस्लाम मजहब के लोग जो है इन लोगों पर गौर करते हुए ये तय किया गया है या तय होगा कि फरकी सिंह जो है मई महीना में नहीं लेकिन मार्च महीना में रहेगा। ऐसा जो है कंपनियां लेदर और एनडीपी का उंदर फोर्सिटर रामोन अब्राहम्स ने बुध के रात को कही है उस शेर में एक कादर मीटिंग पर। स्टार्स रेक्स खलेर द संपोलानन जो है इससे ये सवाल किया गया है क्या ये सही है या नहीं और ये हो सकता है या नहीं तो संपोलानन का ये कहना है कि खुरंतवैत के मुताबिक जो है यानी सूरीनाम देश के संविधान जो खुरंतवैत है इसके मुताबिक ये नहीं हो सकता है। खुरंतवैत में जो है दिन तारीख तय है यह लिखा गया है और ऐसा अगर प्रेसिडेंट करना चाहते हैं तो वो खुद तय नहीं कर सकते हैं इसके पास दयाना में जाकर इस बारे में बातचीत करना ज़रूरी है। ये भी संपोलानन ने कहे है कि आर्टिकल 75 तो खुरंतवैत का इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है और उनका ये भी कहना है कि अगर देश में कोई जंग का हालात है जंग का भय है जंग का डर है और लक्स खफार है और कोई ऐसे गंभीर समस्या है सूरीनाम देश में तो मुमकिन हो सकता है कि यह दिन तारीख बदला जाए यानी वक्त जो तय हुआ है 25 मई इसके बाद या इससे पहले समय के बाद या समय से पहले फरकी सिंह हो सकता है लेकिन खुरंतवैत में लिखा गया है कि 25 तारीख मई दिन तारीख अगर तय है तो ऐसा होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जो पार्लियामेंटारियंस है दयाना लेदन जो है ये कुछ समय के के लिए चुने जाते हैं तो इन लोगों का समय कम करना या बढ़ाना ये उचित नहीं है ये नहीं हो सकता है। इसके दूसरे तरफ जो फोर्सिटर है ओनाफांग क्लक्कीस बीरो का येनिफर फंडेक्सिलोस का कहना है कि सरकार ये फैसला ले सकता है फरकी सिंह कुछ समय पहले या कुछ समय के बाद यानी 25 तारीख में इसे बात भी हो सकता है यह फंडेक्सिलोस का कहना है। फंडेक्सिलोस कहते हैं कि एक यूरिडिस डिस्कसी चर्चा इसके बारे में कई दिनों से हो रहा है और ये कहते हैं कि जो मुदरवैत है इस सिलसिले में खुरंतवैत जो है ये साफ तौर पर इसमें नहीं लिखा गया है और इसलिए इसके लोग अनेक अनेक मतलब निकालते हैं लोग कुछ लोग कुछ और समझते हैं और बाकी लोग उसे किसी और तरीका अपना या समझते हैं मतलब ये है कि अनेक अनेक ख्याल है इस खुरंतवैत के बारे में जो लिखा गया है फरकी सिंह के दिन तारीख के के सिलसिले में तो इस बारे में चर्चा हो रहा है फरकी सिंह 25 तारीख मई को होगा 2020 में या इससे पहले होगा या इसके बाद इसके बारे में बाद में हम ज़रूर आपको इतलाएंगे अगर ये तय हो जाएगा। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया नमस्कार और खुदा हाफिज़।